वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन साथियों के लिए है जो नवनियुक्त है या जिनका प्रोबेशन अभी पूरा हुआ है या आगामी कुछ दिनों में कुछ महीनों में होने वाला है। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो में साझा करूंगा। पहली बात तो अगर आप नए कार्मिक है और अभी आपकी कुछ समय पहले नियुक्ति हुई है तो प्रोबेशन में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन सी डिडक्शन आपके लिए अनिवार्य होगी ये जानेंगे। उसके बाद में जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, कई ऐसे साथी होंगे जिनका प्रोबेशन हाल ही में पूरा हुआ है या आगामी कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, तो उनको प्रोबेशन पूरा होने के बाद में कितना पेमेंट मिलेगा, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और कौन कौन सी डिडक्शन है वो इनको अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। चाहे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हो, द्वितीय श्रेणी हो, व्याख्याता हो या कंप्यूटर अनुदेशक या कोई भी हो, जिस भी पद पर आपकी नियुक्ति हुई है उसके अनुसार आपको कितना पेमेंट मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी देने की। फिर भी अगर आपको कुछ भी संशय है तो आप जो भी विभागीय निर्देश है उनकी कृपया पालना करें, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ऑफिशियल आदेश है, तो वो सारे आदेश मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको आवश्यकता हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि सेवंथ पे के अनुसार जो प्रोबेशनर्स हैं उनको किस तरीके से क्या क्या पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा इसको अगर आप जूम करके बता दूँ, तो यहाँ से जैसे आपका जो भी जिस लेवल में आपकी नियुक्ति होती है उसके अनुसार पेमेंट फिक्स पेमेंट मिलेगा, और फिक्स पेमेंट में सिर्फ फिक्स मूल वेतन ही मिलेगा, इसके अलावा डी ए या एच आर ए यानी जो डीएनएस अलाउंस है या महंगाई भत्ता जिसको कह सकते हैं या मकान किराया एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस है वो नहीं मिलता है, सिर्फ मूल वेतन मिलता है, और मूल वेतन का भी फिक्स वेतन मिलता है। जैसे मान लो एल वन में नियुक्ति हुई है तो 12,400 मिलेंगे, एल टू में नियुक्ति हुई तो 12,600, एल थ्री में तो 12,800, एल फोर में है तो 13,500, एल फाइव में है तो 14,600, एल छः में है तो 15,100, एल सात में अगर नियुक्ति हुई है तो 15,700, एल आठ में अगर नियुक्ति हुई है जैसे कंप्यूटर निर्देशक है तो 18,500 मिलेंगे, एल नाइन में है तो 20,100, एल टेन यानी अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको 23,700 मिलेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जैसे एल टेन है तो 23,700, उसके बाद में एल ग्यारह यानी वरिष्ठ अध्यापक पर आप सीधी भर्ती में नियुक्त होते हैं तो आपको 26,500 मिलेगा प्रोबेशन में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोबेशन में आपको 2 साल तक मिलेगा। उसके बाद में अगर आप व्याख्याता के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपको 31,100 मिलेगा। इसी तरह से अगर आपका एल चौदह है तो 39,300 और एल पंद्रह है तो 42,500, इस तरीके से ये प्रोबेशन में आपको मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका लेवल कौन सा है, तो आपका जो भी नियुक्ति आदेश होगा उसमें आपको स्पष्ट होगा। मैं आपको एक आदेश बता देता हूँ, जैसे अभी ये आदेश हुआ था वरिष्ठ अध्यापक का, तो इसमें यहाँ जो भी आपके जो लैंग्वेज होगी या जो आदेश होगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ये वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी है नॉन टीएसपी में राजस्थान सेवा नियम पुनरीक्षित वितरमान 2017 के वेतन लेवल 11 में 2 वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में यानी जो प्रोफेशनल्स के रूप में इनको रखा गया है, 2 साल का प्रोफेशन होगा और नियत मानदेय, नियत मानदेय का मतलब फिक्स मिलेगा 26,500 यानी इसमें लिखा हुआ है एल 11 में लेवल 11 में 2 वर्ष के लिए 26,500 अक्षरे 26,500 रुपये पर नियुक्ति दी जाकर इनके सम्मुख अंकित विद्यालय में प्रयुक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है। अब इनमें मैंने आपको वैसे बता दिया फिर भी आपको ये लैंग्वेज पूरी आपको क्लियर कर देता हूँ कि परीक्षाधीन प्रशिक्षण यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की अवधि में फिक्स रिम्यूनेशन के अतिरिक्त यानी जो फिक्स पेमेंट मिलेगा उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता है, मकान किराया है या शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है, महंगाई वेतन डीपी है, विशेष वेतन है, बोनस आदि कुछ भी देय नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे एल ट्वेल्व पे इनकी अगर नियुक्ति हुई एल इलेवन में, मतलब एल इलेवन में वरिष्ठ अध्यापक नियुक्ति हुई है तो इनको प्योर यानी सिर्फ 26,500 मिलेंगे। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इनको 26,500 ही मिलेंगे, 26,500 मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का महंगाई भत्ता एच आर ए डी ए वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आपको कि कितना पेमेंट मिलेगा। अब इसके बाद में प्रोबेशन पीरियड में मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक लगते हैं तो आपको 23,700 पेमेंट या फिक्स जो पे है वो मिलेगा, एल 11 में है यानी वरिष्ठ अध्यापक है तो 26,500, एल 12 में है तो 31,100, उसके बाद में जैसे एल 18 है यानी जैसे कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह उनको एल 8 पे ले आ गया है तो एल 8 का है वो 18,500 होगा। अब इसके बाद में प्रोबेशन में आपके क्या क्या डिडक्शन होगी, मान लो आपको जैसे 23,700 मिलेंगे अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक को या वरिष्ठ अध्यापक उसको 26,500 मिलेंगे, लेकिन उसमें प्रोबेशन काल में 2 तरह की डिडक्शन आपके अनिवार्य रूप से होगी, जिसमें एक तो है
आरजीएसएस की और दूसरी है जीपीएफ 2004 की। ऐसे की डिडक्शन है आपके प्रोबेशन पूरा होने के बाद में, जो भी पहला मार्च महीना आएगा उसमें डिडक्शन होगी। मैंने इसके लिए विस्तार से वीडियो बना रखा है किस कितनी होगी, फिर भी इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। अब मान लो जैसे बात करें एचआरए की, उसकी आरजीएसएस की, तो आरजीएसएस है वो जैसे आपके जो भी मूल वेतन होगा, यानी अभी भले आपको 23,500 मिल रहा है लेकिन आपका जो भी मूल वेतन है पद के अनुसार, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मूल वेतन क्या है? तो अब जैसे मान लो कंप्यूटर अनुदेशक है उनका क्या होगा, या तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, इनके आरजीएसएस की कटौती कितनी होगी, तो इसके लिए वापस अपन सेवंथ पे जो चार्ट है इस पर आएंगे। अब मान लो L10 या L11 यानी 26,500 या 23,700 जो भी है, अब इनके लिए यहाँ से जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो आपका फिटमेंट है इस पर होगा। L10 वालों का 33,800 मिलेगा और L11 वालों को 37,800 मिलेगा। अब इसको आपको देखना है, इसके आधार पे आपको आरजीएसएस की कटौती होगी। भले ही आपको दो साल तक प्रोफेशनल में फिक्स पेमेंट मिल रहा हो, जैसे मान लो L10 को 23,700 मिल रहा है लेकिन मूल वेतन आपका जो है वो L है वो 33,800 है, तो अब एचआरए आरजीएसएस की बात करें तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि अगर मूल वेतन 18,000 से कम है तो 265 कटेंगे, 18,000 से लेकर के 33,500 तक है तो 440 कटेंगे। अब मान लो L8 कंप्यूटर अनुदेशक का जो पोस्ट थी, जिसमें आपको मैंने यहाँ बताया था कि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक है जो L8 है, L8 का मतलब हुआ 18,500 है, लेकिन L8 यहाँ जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तब आपको फिटमेंट किया जाएगा 26,300 पे। 26,300 इसमें आपको देखना है कि 26,300 इसमें कहाँ आ रहा है, तो 26,300 इसमें यहाँ 18,000 से लेकर के 33,500 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब आपका प्रोबेशन में कंप्यूटर अनुदेशक है उसका आरजीएसएस है वो 440 कटेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक की, तो मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक का जब भी प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो उसको फिटमेंट किया जाएगा 33,800 पे। L10 है उसका फिटमेंट 33,800 पे किया जाएगा। तो अभी आपके प्रोबेशन में आरजीएसएस कितना कटेगा, तो ये आरजीएसएस इसके हिसाब से नहीं कटेगा, जैसे L10 में यहाँ दिया हुआ है 23,700 के हिसाब से नहीं, आपको ये देखना है आपका मूल वेतन या पद या एल जो है वो कितना है। L10 का है 33,800, तो अब आप यहाँ से जैसे 33,800 है तो यहाँ से 33,500 से शुरू होकर के अप टू 54,000 है, यानी 33,500 के बीच से आगे 33,800 आ गया। तो मतलब तृतीय श्रेणी अध्यापक का और द्वितीय श्रेणी अध्यापक और सभी का फर्स्ट ग्रेड का भी, क्योंकि 54,500 से कम है तो इनका 658 है ये आरजीएसएस कटेगा। तो अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक पर नियुक्त होते हैं तो आपको अभी जो मिलेगा पेमेंट वो 23,700 मिलेगा, उसके बाद उसमें से कटौती क्या क्या होगी, तो पहली कटौती तो होगी आपकी 658 आरजीएसएस की। दो कटौती आपकी होगी, एक आरजीएसएस की, दूसरी होगी जीपीएफ की। अब जीपीएफ के संबंध में ये वित्त विभाग का आदेश है 26 मई 2022 का, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग के लिए, यानी जो भी प्रोफेशनल है उनके लिए। उसके बाद में प्रोफेशन पूरा होने के बाद में आपको बता दूंगा क्या होगा। अभी जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधान निधि केतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती करने बाबत, यानी जो प्रोफेशनल्स है उनकी कटौती कितनी होगी। तो अभी जैसे L8 है, मान लो जैसे कंप्यूटर निर्देशक L8 में है या कोई L9 में किसी पद का, अगर आपको फिक्स पे मिल रहा है तो आपको प्रोबेशन में 800 रुपये है वो हर महीने आपके जीपीएफ में कटौती होगी, जिसको जीपीएफ 2004 में नाम दिया गया। अगर मान लो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक या द्वितीय श्रेणी, L10 का मतलब तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक का मतलब L11, तो दोनों में आपके 1100 की कटौती होगी। तो मान लो अगर आप अभी आपको जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो आपके 23,700 मिलेंगे, उसमें से आपके 1100 रुपये तो ये कटेंगे आपके जीपीएफ के और 658 रुपये करेंगे कटेंगे आपके आरजीएसएस। इन दोनों को जोड़ करके जितनी भी कटौती होगी 1100 प्लस 600 यानी 1758 जो भी है, ये कटौती होने के बाद में आपको जो भी 23,700 में से शेष रहेगा वो आपको कैश पेमेंट मिलेगा। उसी तरह से L12 यानी अगर कोई व्याख्याता के रूप में प्रोफेशनल से लगा हुआ है तो L12 से 14 तक 1400 रुपये जीपीएफ की कटौती होगी। उसी तरह से L15 के लिए 1800, L16-17 के लिए 2100 और मान लो L1 से लेकर 7 तक अगर कोई पद है, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह या मंत्रालय कर्मचारी वगैरह, तो 700 रुपये इनकी जीपीएफ अभी प्रोफेशनल समय पीरियड में कटेगा 2 साल के लिए। और L8 या L9 है तो 800 रुपये, ये मैंने बता दिया। तो अभी जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए जो डिडक्शन होगी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से और बता देता हूँ। जैसे एक कोई यहाँ से आप देखेंगे तो अभी जैसे आपको बेसिक कितना मिलेगा अगर प्रोफेशन में है, तो L8 की बात करें तो 18,500 मिलेगा, उसमें से 440 आपके आरजीएसएस कटेगा
और जीपीएफ आपके कटेगा, जैसे L10 है ये तो 800 रुपये L8 के लिए। अगर मान लो आपके L10 है तो 23,700 आपके जो फिक्स पे है वो मिलेगा, उसमें से आपके जीपीएफ की कटौती तो होगी आपके L10 के हिसाब से 1,100 रुपये, और RGSS की कटौती होगी 658। तो 658 प्लस 1,100 यानी 1,758 रुपये आपके कटेंगे। उसके बाद में जो भी आपको शेष बचेगा वो आपको पेमेंट जमा होगा। इस तरीके से अगर L11 में यानी वरिष्ठ अध्यापक 26,500 पे अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपका जो भी GPF है वो आपका जैसे ये GPF 2004 है, L अगर 11 है तो आपके 1,100 कटेंगे, और उसी तरह से RGSS से आपका है तो यहाँ से जैसे इसी के अंदर है तो आपके 658 कटेगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की कटौती आपकी होगी। किस तरीके से होगी कि प्रोबेशन काल में आपके ये तो आपको मिलेगा, उसमें आपके दो तरह की कटौती होगी, RGSS की होगी और GPF 2004 की। मैंने दोनों बता दी। RGSS की कटौती अगर मूल वेतन आपके 18,000 तक है तो 265 रुपये कटेंगे, 18,000 से ऊपर लेकर के मूल वेतन आपका जिस पद पे आप नियुक्त हुए उसका मूल वेतन, अभी आपको प्रोबेशन में भले कितना मिल रहा हो आपका उस पद का जो मूल वेतन है वो अगर 33,500 से कम है और 18,000 से ज़्यादा है तो 440 रुपये कटेंगे। 33,500 से ज़्यादा है यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसका मतलब 33,800 है मूल वेतन, तो आपको 658 रुपये आपके डिडक्शन होगा। और उसके बाद में अगर 54,000 से ज़्यादा अगर मूल वेतन है तो आपके 875 रुपये डिडक्शन होगा। तो ये तो हो गया RGSS का। GPF का प्रोबेशन में मैंने पूरा बता दिया कि L8-9 के लिए 800, L10-11 के लिए 1,100, L12-14 के लिए 1,400, L15 है तो 1,800, इस तरीके से कटौती होगी। अब मान लो जैसे 2 साल का समय पूरा हो गया, आपका प्रोबेशन खत्म हो गया, तो आपको कितना वेतन मिलेगा? तो मान लो जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ जैसे L10 में आप नियुक्त हैं तो L10 का मतलब आपको अभी 23,700 मिल रहा है, तो प्रोबेशन जब आपका पूरा हो जाएगा तब आपको मूल वेतन जब फिटमेंट होगा वो 33,800 पे होगा, यानी आपको मूल वेतन 33,800 होगा प्लस आपको जो भी उस समय की DA होगी वो DA की रेट मिलेगी और HRA मिलेगी। यानी अब HRA कितना है तो जैसे अभी 9% HRA है, DA अभी जैसे 46% तक था, अभी मार्च महीने से 50% हो गया है। अब मान लो किसी कार्मिक का मई में सॉरी मार्च इसी महीने में या अगले महीने में प्रोबेशन पूरा हो रहा है तो उसको कितना कितना पेमेंट मिलेगा, तो एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ आपके सामने L8 है, L8 का मतलब जैसे कंप्यूटर निदेशक है, जिसका प्रोबेशन पूरा होने के बाद में उसको फिटमेंट है वो 26,300 पे किया जाएगा। वापस बता दूँ, यहाँ L8 है तो उसका फिटमेंट है वो 26,300 पे किया जाएगा। अभी उसको 18,500 मिल रहे हैं, जैसे L8 है तो अभी उसको 18,500 मिल रहे हैं, लेकिन जब उसका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा L8 का तब आपको L8 का इसमें 26,300 मिलेंगे। तो 26,300 ये हो गए। उसके बाद में आपको जो अभी जो मिल रहा है HRDA, वो DA अभी मिल रहा है 46% के हिसाब से, और HRA मिल रहा है यानी हाउस रेंट मकान किराया मिल रहा है 9% के हिसाब से। ये सामान्य सिटीज़ की बात है, कुछ विशेष जो सिटी उसकी वाई और जेड कैटेगरी है उसका मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो सामान्य रूप से अपन मान के चलेंगे आप अगर श्रेणी में 9% वाली श्रेणी में है तो आपके जैसे मूल वेतन L8 कंप्यूटर निदेशक का 26,300 हो जाएगा, उसके ऊपर आपको DA 46% के हिसाब से 12,098 मिलेगा, HRA आपको मिलेगा 9% के हिसाब से 2,367, तो कुल आपका पेमेंट आपको मिलेगा 40,765, ये आपका बनेगा। अब इसमें से आपकी कटौती क्या क्या होगी, तो SI की कटौती होगी प्रोबेशन पूरा होने के बाद में जब भी मार्च महीने आएगा, तो वो भी आपको बता दूंगा SI कटौती किस तरीके से होगी। उसके बाद में मैं पहले बता दूंगा आपको वेतन कितना बनेगा। मान लो आप L9 में हैं तो 28,700 प्लस 13,202 और 25,83 यानी 44,485 मिलेगा। अब L10 की बात करें, आप तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे तो अभी आपको जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो अभी L10 में आपको जो पेमेंट मिल रहा था 23,700, यहाँ से आप देखेंगे तो L10 में अभी 23,700 मिल रहा था मूल वेतन या जो फिक्स पे है, अब आपका L10 पे फिटमेंट है वो आपके 33,800 पे किया जाएगा। अब 33,800 पे यहाँ फिटमेंट होगा, उसके बाद में 46% के हिसाब से आपको 15,548 रुपये तो DA मिलेगा, 3,042 रुपये यानी 33,800 का 9% 3,042 रुपये, ये कुल मिला करके आपको 52,390 रुपये आपका पेमेंट बनेगा पर महीने प्रोबेशन पूरा होने के बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक का। अगर आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक है तो आपका जो भी 26 जैसे जो मिल रहा था आपका प्रोबेशन में, जैसे L11 है, यहाँ वापस मैं आपको बता दूँ कि L11 में अभी आपको जैसे 26,500 मिल रहा था, L11 में 26,500 मिल रहा था यहाँ पे, अब ये आपको वापस जैसे यहाँ से L11 में फिटमेंट होगा तो आपको 37,800 पे फिटमेंट किया जाएगा, और 37,800 ये मिलेंगे, उसके बाद में 46% इसका DA यानी कि 17,388
प्लस एचआरए होगा 9%, तो वो मिलेगा आपको 3,402। कुल मिलाकर के आपका जो वेतन होगा वो 58,590 बनेगा। इसी तरीके से अगर L12 पे है, आपका फिटमेंट जब होगा, आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, तब आपको 44,300 इसका मूल वेतन मिलेगा, प्लस 46%, जैसे अभी फरवरी का मान ले तो 20,378 प्लस एचआरए 3,987, कुल मिलाकर के 68,665 हो जाएगा। अभी मान लो, जैसे अभी आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने एचआरए की रेट है वो बढ़ा करके 50% कर दी है, केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया, तो उसी के बाद में राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ गया है। तो अब जैसे मान लो मार्च महीने की सैलरी अगर किसी कार्मिक है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उसका प्रोबेशन पूरा हुआ है, तो पूरा होने के बाद में कितना मिलेगा, तो 26,300 इसको मूल वेतन प्लस इसका जो डीए है 50%, तो इसका आधा मान लो, जैसे 26,300 का आधा हो गया 26 का आधा 13,000, 300 का आधा 150, यानी 13,150 ये डीए मिलेगा। एचआरए अभी मान लो 9% मान लें, क्योंकि रूल्स ये है कि 50% क्रॉस करने के बाद ये 1% बढ़ेगा, तो क्रॉस नहीं हुआ अभी, 50 ही हुआ है, तो 9% भी मान के चलें तो 2,367 कुल मिला करके तृतीय श्रेणी अध्यापक को अभी जैसे मार्च महीने में प्रोविजन पूरा होते इसको 41,817 रुपये मिलेंगे। इस तरह से L9, इस तरह थोड़ा सा मैं यहाँ ये L8 की बात थी, अब तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात करें तो 33,800 है, ये L8 की बात थी, यानी कंप्यूटर अनुदेश की बात थी। तो अब जैसे L10 है, L10 का मतलब हो गया कि अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो उसको 33,800 फिट किया जाएगा। उसके बाद में अभी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, तो यहाँ आपको जैसे देखेंगे तो L10 है, L10 का मतलब हो गया तृतीय श्रेणी अध्यापक है, तो उसका 50% है 16,900 प्लस 3,042, कुल मिलाकर के 53,742। इस तरह से L11 यानी वरिष्ठ अध्यापक है, उसको 37,800 पर फिटमेंट किया जाएगा, 50% के हिसाब से इसका आधा 37,800 का आधा हो गया 18,900, और उसके बाद में जो एचआरए है वो 9% के हिसाब से 60,102 रुपये बनेंगे। इस तरीके से L12 अगर किसी का है, यानी व्याख्याता रूप में अगर वो प्रोविजन पूरा करता है, तो उसको 44,300 मूल वेतन मिलेगा प्लस 22,150 डीए मिलेगा 50% के हिसाब से इसका आधा, और उसके बाद में जैसे 44 का आधा 22 और 300 का आधा 150, और ये 9% के हिसाब से इसको डीए मिलेगा, तो एचआरए मिलेगा, तो कुल मिलाकर के 70,437 का पेमेंट हो जाएगा। ये बात होगी व्याख्याता की, ये वरिष्ठ अध्यापक की होगी, और L10 का मतलब हो गया तृतीय श्रेणी अध्यापक की, ये 50% डीए के हिसाब से, ऊपर मैंने बताया था वो 46% डीए के हिसाब से बताया था। तो ये तो हो गया कि आपको कितना मिलेगा। अब उसके बाद में जैसे आपका प्रोबेशन पूरा होगा, आपको SI की कटौती करानी पड़ेगी। SI की कटौती का क्या नियम है या कितनी होगी, तो मैं आपको ये विस्तार से बता दूं, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही विस्तार से वीडियो बना रखा है SI पे। तो जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में आने वाला जो भी मार्च महीना है, वहाँ से आपकी SI की डिडक्शन शुरू होगी। तो आपका जो मूल वेतन अगर 22,000 तक है, तो आपको 800 रुपये प्रीमियम अनिवार्य रूप से कटवाना पड़ेगा। अगर आपका मूल वेतन 22,100 है से लेकर 28,500 तक, तो आपको 1,200 रुपये SI की कटौती करवानी पड़ेगी। अब मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात करें, तो जैसे 33,800 पे तृतीय श्रेणी अध्यापक को फिटमेंट किया जाएगा, L10 33,800 या L11 है 37,800, ये जैसे है, तो यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे 28,501 से लेकर के 46,500 तक, अब 46,500 में आपके जो व्याख्याता है वो भी आपके 44,300 फिटमेंट होगा। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता, इन तीनों के लिए SI की जो भी कटौती है वो 2,200 रुपये होगी न्यूनतम। अब इसमें जो आगे एक ऑप्शन भी है कि आप बढ़ा भी सकते हैं इस कटौती को, तो न्यूनतम तो आपकी 2,200 होगी, यानी ये तो आपको कटवानी है। अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी या फर्स्ट ग्रेड हैं और प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं, तो आपकी 2,200 रुपये की कटौती अनिवार्य रूप से होगी। उसके बाद में अगर किसी कर्मी का मूल वेतन 46,500 से अधिक है, यानी 46,501 से लेकर के 72,000 तक है, तो 3,000 रुपये कटौती करवानी पड़ेगी, और 72,000 से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये, ये न्यूनतम कटौती है। अब यहाँ दिया हुआ है अधिकतम, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये कि आप, आपका जो भी जिस स्लैब में है आप, जैसे 28,500 से 46,500, मान लो अभी जैसे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक है और आपका फिटमेंट हो गया, आपका जो भी 33 यहाँ से जो आपको वेतन मिल रहा है 33,800, अब मान लो 33,800 मिल रहा है, तो आप इस राहत दायरे में आएंगे, तो आपकी न्यूनतम कटौती तो आपके DDO द्वारा 2,200 रुपये की जाएगी, या आपको जो भी प्रपोजल आप भर के देंगे उसमें 2,200 की कटौती तो आपको करवानी ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा ही है, इंश्योरेंस है, बचत भी है, आगे भविष्य में भी आपकी बचत काम आएगी, तो आप इसके आगे की दो स्लैब ले सकते हैं। मान लो जैसे अभी आप 33,800 की बात करें, तो न्यूनतम तो आपको 2,200 तो कटवाने हैं,
लेकिन आप 3,000 या 5,000 तक, दो आगे स्लैब यानी 22,000 से आगे की दो स्लैब, 3,000 या 5,000 तक आप कटौती करवा सकते हैं। आप चाहें तो पर मंथ 3,000 कटौती करवा सकते हैं, या दो स्लैब आगे लें तो 5,000 तक अधिकतम आप कटौती करवा सकते हैं अगर आपका मूल वेतन 28,500 से 46,500 के बीच में है। अगर मान लो आपका वेतन 46,500 से अधिक है लेकिन 72,000 तक, मान लो किसी कार्मिक का वेतन 50,000 है तो उसके लिए न्यूनतम तो 3,000 है। अगर वो चाहे तो एक स्लैब आगे लेकर के 5,000 कटौती करवा सकता है, और मान लो दो स्लैब आगे लेना चाहे, 50,000 मूल वेतन है तो उसका न्यूनतम तो 3,000, उसके बाद में 5,000 या अधिकतम 7,000 तक कटौती करवा सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा SI की कटौती करवाएं ताकि आपकी बचत भी हो जाएगी, इंश्योरेंस भी होगा। SI से आपको भविष्य में जैसे इंश्योरेंस वगैरह या जैसे आपको लोन लेना है तो वो लोन भी ले सकते हैं, और भी इंश्योरेंस तो है ही है। तो मैंने विस्तार से बताया हुआ कि SI के क्या लाभ है, किस किस परिस्थिति में आप क्या क्या उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी आप जिस रेंज में आते हैं, जिस स्लैब में आ रहे हैं, उससे दो स्लैब आगे आप ले सकते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ भी होगा कि ये जो दरें हैं वो अप्रैल 2020 से लागू है और अभी भी यही दर है। अब इसमें है कि पुनरीक्षण के फलस्वरूप नियम 11 के उपनियम 2 के अंतर्गत निर्धारित वेतन खंड दर से आगामी दो खंडों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रीमियम का ऐच्छिक तौर पर विकल्प जिए जाने की स्थिति में अगर लेते हैं विकल्प, तो अधिकतम कटौती 7,000 रुपये होगी। मान लो जैसे कोई कार्मिक है जिसका मूल वेतन है 72,000 है, तो 72,000 से अगर मान लो ज़्यादा है, 73,000 है, तो वो 5,000 तो उसकी कटौती अनिवार्य रूप से होगी। उसके बाद में अगर वो चाहे तो 7,000 करवा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करवा सकता, मैक्सिमम कटौती 7,000। यानी कि जैसे मान लो 46,500 से ऊपर किसी का भी मूल वेतन है तो 3,000 तो करवा सकता है, उसके बाद में 5,000 या मैक्सिमम 7,000 करवा सकता है। अगर इस स्लैब में है तो भी 7,000, कुल मिलाकर के ऐसे की मैक्सिमम कटौती है वो आपकी अभी 7,000 है। तो ये तो हो गया ऐसे के बारे में। अब बात करेंगे GPF के बारे में। प्रोविजन का मैंने पहले बता दिया कि L10-11 के लिए 1100 रुपये, L12 के लिए 1400, L8 से L9 तक 800 रुपये, ये तो हो गया प्रोविजन में आपके जो भी GPF है। अब बात करेंगे कि GPF आपके नॉर्मल स्लैब क्या होगी। तो जब आपका स्थायीकरण हो जाएगा यानी आपका पूरा वेतन मिल जाएगा, प्रोविजन पूरा हो जाएगा, तब आपका जो भी मूल वेतन है मान लो 23,100 तक है तो आपको 1450 रुपये GPF के कटवाने पड़ेंगे, ये जो पुरानी स्लैब GPF की है उसके अनुसार। उसके बाद में मान लो 23,100 लेकर 28,500 तक का मूल वेतन है तो 1625 रुपये। अब मान लो जैसे यहाँ 33,800 अगर आ रहा है यानी कि 28,501 से लेकर के 38,500 तक है तो आपको 2100 रुपये है वो GPF के कटाने पड़ेंगे। तो प्रोविजन में GPF का अलग होगा और उसके बाद में प्रोविजन समाप्त होने के बाद में GPF का अलग होगा। लेकिन SI में एक रूल है कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से SI में आप अधिकतम दो स्लैब ही ले सकते हैं, लेकिन GPF में आप, ये तो न्यूनतम है। जैसे मान लो आपका वेतन है यहाँ से जैसे मान लो 33,800 पे है तो आप जैसे न्यूनतम तो आपकी 2100 रुपये कटानी है, लेकिन अधिकतम आप कितना भी कटा सकते हैं, 5,000 तक भी कटा सकते हैं, 4,000 कटा सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये न्यूनतम दर है, न्यूनतम से आप अधिकतम कितना भी करवा सकते हैं उसका भी कोई इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम है, आप इतना तो आपको कटवाना ही पड़ेगा। अगर आपका मूल वेतन 38,501 से लेकर के 51,500 तक है तो आपको न्यूनतम 2,850 रुपये, 2,850 रुपये तो कटेंगे, लेकिन आप 5,000 भी कटवा सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। और ये भी बचत है, GPF है, इसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो ये भी आप ज़्यादा कटाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो हो गया कि प्रोविजन के बाद में आपको GPF कितना कटवाना है, प्रोविजन के बाद में जब आपकी ऐसे कटौती शुरू हो जाए तब आपको कितनी ऐसे करवानी है। न्यूनतम जो स्लैब है वो आपको तो लेनी है, उसके बाद में अधिकतम दो स्लैब ले सकते हैं और मैक्सिमम कटौती आपकी 7,000 हो सकती है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजन काल में आपको GPF कितना कटवाएगा। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि RGSS की कटौती आपकी प्रोविजन में भी होगी और प्रोविजन के बाद में भी होगी। प्रोविजन के बाद में भी आपका जो भी मूल वेतन होगा, जैसे यहाँ 33,500 है लेकिन 33,800 पे अगर आपको फिटमेंट किया जाता थर्ड ग्रेड का तो आपको 658 कटाने पड़ेंगे जो अब भी कटाने हैं, और प्रोविजन पूरा होने के बाद भी आपका ये जो है RPMF की कटौती ये लगभग वही रहेगी, या RGSS जिसको कहते हैं, पहले RPMF कहते थे, तो ये कटौती चेंज नहीं होगी, ये लगभग वही रहेगी। फिर भी आप जो भी स्लैब उसके अनुसार देख लें। उसके बाद में ये 7th पे का चार्ट है, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। यहाँ से जैसे मान लो 33,800 रुपये आपका फिटमेंट होता है और अगले साल जब जुलाई आएगी या इंक्रीमेंट आपका जब लगेगा तब आपका एक इंक्रीमेंट आगे बढ़ेगा तो आपका जो वेतन है वो मूल वेतन है आपका 34,800 हो जाएगा। 34,800 के बाद में जैसे अभी 33,800 पे आपको 50% DA और 9% HRA मिल रहा था, अगले साल आपको जुलाई के बाद में
आपका जो मूल वेतन है वो बढ़ करके 33,800 का 34,800 हो जाएगा। उसी तरह से L11 में अगर आप 37,800 है तो उसका आपका 38,900 हो जाएगा। इस तरीके से ये हर साल 3% के लगभग बढ़ोतरी मूल वेतन में हो जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जो HRA के संबंध में सिटीज़ के बारे में, तो राजस्थान में अभी दो क्राइटेरिया है, 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर है वो Y श्रेणी में रखे गए हैं और बाकी जितने भी शहर है वो 8% की श्रेणी में, यानी 5 लाख से कम वाले हैं उसमें जो रेट है वो 8% थी, अब 9% हो गई है 25% DA के बाद में, और 16 की भी जैसे 17-18% हो गई है। तो अब जो Y श्रेणी के शहर कौन कौन से हैं, तो बीकानेर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जोधपुर, कोटा और अजमेर, ये पांच जो जिला मतलब मुख्यालय है या सिटीज़ है, उन सिटीज़ में अगर कोई कर्मचारी रह रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसको Z श्रेणी में HRA मिलता है। यानी जैसे कितना मिलेगा मैं आपको यहाँ से बता दूँ, यहाँ से जैसे यहाँ बात करेंगे HRA की, तो यहाँ मैं आपको वापस एक थोड़ा सा सिटीज़ के अनुसार बता देता हूँ कि जो हाउस रेंट है वो अभी जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ है, अब यहाँ से देखेंगे आप तो मान लो यहाँ बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर, इनमें अभी जैसे 10-17 यानी अक्टूबर 17 तक तो 16% मिल रहा था, उसके बाद में DA जब 25% हो गया तब अब इनको 18% DA मिल रहा है, जबकि अदर सिटी जो Z श्रेणी में आ रहे हैं, इन पांच सिटी के अलावा आप किसी भी सिटी में किसी भी गांव में रह रहे हो तो अभी आपको DA जो मिल रहा है वो 9% मिल रहा है। 10 यानी अक्टूबर 17 तक 8% मिल रहा था, उसके बाद में जैसे ही DA की 25% क्रॉस कर गया तब आपको यहाँ 7 यानी जुलाई 21 से 9% मिल रहा है। अब इसके संबंध में एक और आदेश भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ से जैसे कई लोग इस बार भी कन्फ्यूजन थे कि 50% DA हो गया तो HRA बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये वित्त विभाग आदेश से मैं आपको क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये 30 अक्टूबर 2017 का आदेश है। इसमें श्रेणी भी दी हुई है कि Z श्रेणी के जो भी 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जो भी सिटीज वगैरह हैं उनमें कर्मचारी को 8% DA मिलता था और Y श्रेणी वालों को 16%, जिसमें पांच सिटी मैंने बताए, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। अब इसमें एक जो लाइन लिखी हुई है वो आपको बता दूं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि द रेट्स ऑफ HRA विल बी रिवाइज टू 80% एंड 9%, यानी 18% और 9% रिवाइज हो जाएगा फॉर Y एंड Z क्लास सिटीज रेस्पेक्टिवली, क्रमशः कब, जब डिरेंस अलाउंस यानी DA क्रॉसेज 25%, DA जब 25% क्रॉस हो जाएगा तब ये 9% और 18% हो जाएगा, यानी अभी जैसे ये 8% था तो 9% हो जाएगा, तो अभी 9% चल रहा है क्योंकि DA 25% क्रॉस कर चुका है और ये 16 का 18 हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे फर्दर रिवाइज टू 20%, जो DA है Y श्रेणी में 20% हो जाएगा एंड 10% व्हेन डिरेंस अलाउंस क्रॉसेज 50%, जब DA 50% क्रॉस हो जाएगा, अभी जैसे 50% हुआ क्रॉस नहीं हुआ है, तो जैसे ये क्रॉस हो जाएगा, अगर मान लो 51% हो गया होता तो जो 9% जो अभी मिल रहा था इन सिटीज में उसका 10% हो जाता और जो 18% मिल रहा था वो 20% हो जाता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन डिरेंस अलाउंस क्रॉसेज 50%, तो क्रॉसेज का मतलब हो गया कि इसको पार कर जाता है, तो अभी पार नहीं किया है, 50% पर आ गया है, तो जैसे ही अगला जुलाई में, जैसे अभी ये जुलाई का सॉरी जनवरी का इंक्रीमेंट लगा DA बढ़ा है, जुलाई में वापस साल में 2 बार DA बढ़ता है, तो जुलाई में जैसे ही DA बढ़ेगा तब जो HRA है वो 9% के बजाय 10% हो जाएगा और जो ये सिटीज है Z श्रेणी की जो सिटीज है वह 18% की जगह काफी बढ़ करके सीधा 20% हो जाएगा। तो ये बातें थी, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि प्रोबेशन काल में आपको क्या क्या कितना पेमेंट मिल रहा है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि पूरा L के अनुसार आपको प्रोबेशन में मिलेगा, क्या क्या कटौती प्रोबेशन समय में होगी, उसके बाद में जब आपका स्थायीकरण हो जाता है तब आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो ये चार्ट है 7th पे चार्ट से आप देख लें कि L10 वालों को कितना मिलेगा, 11 वालों को, 12 वालों को, जो भी आपका L है जिस लेवल में आपकी पोस्टिंग हुई है, आपका नियुक्ति आदेश होगा उसमें आपके क्लियर होगा। आपके पद के हिसाब से भी देख लें, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनको L10 है, द्वितीय श्रेणी के लिए L11 है, व्याख्याता के लिए L12 है, कंप्यूटर निदेशक के लिए L8 है, इसी तरह से मंत्रालय कर्मचारी वगैरह उनके भी सभी फिक्स है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोफेशन पूरा होने के बाद में कितना मूल वेतन मिलेगा, उसके बाद में DA कितना मिलेगा। मैंने एक सैम्पल रूप में ये कैलकुलेशन करके बताया, अगर मान लो इसमें कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो आप कैलकुलेट कर लें, ये इसमें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसमें हो सकता है कुछ जल्दबाजी में कोई गलती हो गई हो तो आप उसको
यहाँ से देख लें कि जैसे ही आपका मूल वेतन है उसका 50% आपको कैलकुलेट कर लें, 9% कर लें और इन तीनों को जोड़ दें तो ये आपका टोटल वेतन हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्रोबेशन पूरा होते ही आपके जैसे ही मार्च महीने आएगा SI की कटौती शुरू हो जाएगी। SI के बारे में मैंने बता दिया कि आपको न्यूनतम कटौती कितनी करवानी है, 2 स्लैब आप अधिक ले सकते हैं। उसके बाद में आपको RGSS की कटौती तो वैसे ही चल रही है, प्रोबेशन में भी है, बाद में भी होगी। इसके अलावा GPF की कटौती जो प्रोबेशन में थी उसके बाद में जब आप GPF रेगुलर हो जाएंगे तो GPF की कटौती इस स्लैब के अनुसार होगी। और इसके अलावा अगर आप LIC अपने सैलरी से कटवाना चाहते हो वो एक व्यक्तिगत मामला हो गया जो भी सभी के लिए लागू नहीं होगा। उसके बाद में जैसे आपका वेतन ज़्यादा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स की कटौती करवानी पड़ेगी। अगर आप थोड़े साल के बाद में SI पर लोन लेते हैं तो SI लोन की कटौती वगैरह, तो वो सारी बात की बात है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो भी नए कार्मिक है जो प्रोबेशन में है या प्रोबेशन पूरा करने वाले हैं या कर चुके हैं उनको किस तरीके से क्या क्या पेमेंट मिलेगा, कितना डिडक्शन होगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अपने जो भी नए साथी है खासकर जो नवनियुक्त साथी है उनको अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में पता चल जाए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। और ये सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर लें ताकि जो भी कोई भी इस वीडियो संबंधित किसी भी टॉपिक का मैं वीडियो बनाता हूँ और जिसमें PDF काम में आती है वो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ तो वहाँ से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कभी भी कोई भी जो पोस्ट है या कोई भी PDF या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डिलीट नहीं होता है तो आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये विशेष इसकी खासियत है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें मेरा ताकि आपको जो भी अपडेट है वो वहाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।